हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं होम डेकोर से रिलेटेड DIY के वीडियो बनाती हूँ, जो कि यूनिक और इजी होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। मैं एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ जो सर्कल शेप में कट कर ली हूँ। अब उसी पे मैं एक कृष्णा जी का एक स्केच कर रही हूँ, कृष्णा जी का ही एक तस्वीर। आज मैं कृष्णा का ही कुछ बनाने वाली हूँ, लॉर्ड कृष्णा का, तो मैं उन्हीं का ही स्केच कर रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी से तो नहीं आता है जैसे आता है आपके सामने है, और इसी को ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। कार्डबोर्ड का जो भी साइज है सर्कल का, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। इस तरह से मैं वॉल पुट्टी का डो ले रही हूँ, पहले फेविकोल को लगा के फिर मैं उस पर छोटे छोटे डिटेलिंग करूँगी। पहले उनका जो भी साफा या मुकुट कह सकते हैं वो है, या उनकी छोटी सी पगड़ी रहती थी। वॉल पुट्टी के डो से ही हम सारी डिटेलिंग करेंगे इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा ब्रश से हम स्मूथ करते हुए, आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ, उसी तरह आप बनाते चले जाइए। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको निकालते जाइए। फ्रेंड, आपको मेरा काम अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा काम आपको कैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर ये मोर पंख जैसा मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन दे रही हूँ, मेरे पास उस टाइम कोई ऐसा पर्टिकुलर टूल्स नहीं था, तो मैं नीडिल या फिर जो भी मिल जाता है मैं उसे कर लेती हूँ, काम चलाऊ हो जाता है मेरा। इस तरह से मोर पंख को बनाएंगे। फिर उनके बालों को बनाएंगे। जब मैं बना रही थी उनके बाल तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मैं कितने बड़े हेयर रखूं उनके, क्योंकि ये सब तो थोड़े आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो उनके बाल कर्ली भी हो सकते थे, स्ट्रेट भी, आप जैसे चाहें, आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हैं। फिर ब्रश से ऐसे थोड़ा सा उस पर चला देंगे, और हल्का हल्का पानी से भी आप उस पर फिरा देंगे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और बराबर हो जाता है सरफेस। इस तरह से उनका दुपट्टा या जो भी था मैंने पूरा वॉल पुट्टी से नहीं बनाया है, मतलब कुछ चीज़ें डिटेलिंग की है, जैसे वॉल पुट्टी से 3D इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है। फेस हुआ और उनका शरीर जो भी हुआ वो मैंने कलर किया है, ना कि वॉल पुट्टी से बनाया है। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ, लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या क्या बना है। तो इस तरह से 3D लुक आ जाता है। ये इनके दुपट्टे तैयार हैं। मैंने सर्कल तो अपने अनुसार कोई भी से मतलब कोई भी साइज ले लिया, मैंने साइज तो नहीं देखा, पर आप अपना देख लीजिएगा, बड़ा या छोटा जैसा भी आपको चाहिए हो आप अपना सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा।
फ्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन अभी मुझे मेहनत में कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें। मोटिवेशन की कमी हो जा रही है, मैं काम तो करना चाह रही हूँ पर थोड़ा उसका भी कुछ मुझे समझ में आया कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ आप मेरा सहयोग करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने की ज़रूरत है आप सबको। आप लोग के एक लाइक की ज़रूरत है। इस तरह से उनकी धोती तैयार हो रही है। मैं वॉल पुट्टी का जो भी काम पहली बार मैं पॉकेट क्राफ्ट है उसी उन्हीं के ही चैनल से मैंने ये सब सीखा है। बाकी मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता है उनकी तरह, पर मैंने कोशिश किया है उनकी तरह वॉल पुट्टी को यूज करने की। फिर पूरे सरफेस में मैंने जेसो अप्लाई किया था सूख जाने के बाद, तो फिर मैं चेहरे पे ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, स्काई ब्लू कर रही हूँ। फिर उनके माला, उनकी बांसुरी, कहीं कहीं मैं ही आ जा रही हूँ। दोस्तों ये तो मैं अभी नया नया सीख रही हूँ हर चीज़, तो अगर कोई भी कमी हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा। और बाकी कलर भी आप अपने अनुसार जो भी आपको पसंद हो, लाइट डार्क जो भी कर सकते हैं। उनके हेयर तो ब्लैक ही होंगे, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। पॉकेट में जो सर हैं वो बहुत अच्छा वॉल पुट्टी का डेकोर आइटम बताते हैं, मैं उन्हीं से ही जो भी है ये वॉल पुट्टी का काम सीख रही हूँ या सीखी हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वॉल पुट्टी से इतना सस्ता जो भी है, मतलब क्ले तो बहुत महंगा पड़ता है हम जैसे मिडिल क्लास के लिए, तो मतलब आसान नहीं होता है इतना, और काम भी नया नया है तो अभी इतना महंगा हर चीज़ तो कर नहीं सकते हैं, हर चीज़ जुगाड़ और कबाड़ से ही काम चलता है। मेरा जो भी DIY रहता है वो कम खर्च में ही बनता है, ये हमारा रेडी है, ये इसका फाइनल लुक। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कुछ बोहो बनाऊं, बोहो डिज़ाइन में कुछ बनाऊं, तो मैंने ये कार्डबोर्ड को ले लिया है सर्कल शेप में कट करके, फिर मैंने उस पर जेसो, होममेड जेसो लगाया था। सूखने के बाद मैंने ऐसे कुछ भी रैंडमली पैटर्न इस पर ड्रॉ हो जाता है जो बोहो में ऐसे लोग वो यूज करते हैं, फिर मैंने उस पर वाइट कलर से पेंट कर दिया था इस तरह से। फिर आप अपने मन चाहे कलर जो भी लाइट शेड में होते हैं उस पर यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ स्काई ब्लू यूज कर रही हूँ। फिर ग्रीन को मैंने थोड़ा सा, ये डार्क ग्रीन को ही वाइट कलर से मैंने लाइट शेड में बना दिया है, वाइट कलर डाल के। उसके बाद पिंक, मेरे पास एक जो पिंक नहीं था तो मैंने रेड में ही थोड़ा सा वाइट डाल के पिंक बना दिया। अपने मन चाहे कलर से बना सकते हैं। फ्रेंड मैं जो भी यहाँ पे यूज करती हूँ, मैं अपने जो भी DIY में यूज करती हूँ घर के पड़े बेकार सामान का ही यूज करती हूँ। बाकी पेंट तो आपको खरीद के लाना ही पड़ेगा, और बाकी तो मैं जैसे वो होममेड जेसो हुआ या फिर कार्डबोर्ड हुआ मैं अपना रख लेती हूँ, और होममेड जेसो भी मैं अपना घर पर ही बनाती हूँ। और मैं जेसो खरीदने से सोचती हूँ घर पे बना हुआ जेसो भी वही थोड़ा काम करेगा। हाँ एक मार्केट का अलग ही होता है पर महंगा भी, तो पैसे भी तो लगते हैं। इस तरह से हमारा डिजाइन
बन जाता है। यह है इसका फाइनल लुक।